जो आप लोगों के ग्रुप में मैंने एक पीडीएफ डाली थी, किस किस के पास है, किस किस ने उस पीडीएफ को देखा? एक तो सब लोग ना जिन्होंने भी अपने कैमरे ऑन नहीं किए हैं, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज 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 ओपन योर कैमरास। आज आप लोगों को दो चीजें सिखाऊंगा और वो इतनी इंपॉर्टेंट हैं, इतनी इंपॉर्टेंट हैं, ये समझ लो कि ये किसी भी कुंडली की जड़ है। ठीक है, जब भी हम कुंडली देखेंगे, समिता जी, कमल जी, एक्जोमी, शोभा, अरुण, पूनम, कुशवाहा जी, संदीप, सभी लोग एक बार कैमरा ऑन कर लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और जितनी गुरु की बात मानोगे उतनी ज्यादा ज्ञान आ जाएगा, जो गुरु की बात नहीं मानेगा वो अच्छा है। तो शुरू करते हैं, सबसे पहले वर्षफल निकालना, उसके बाद निकालेंगे आज हम किस्मत का ग्रह। तो सबसे पहले हम निकालते हैं आज वर्षफल। आप सब लोगों के पास एक पीडीएफ मैंने सेंड किया है, पीडीएफ में, और वैसे ओपन फोटो भी आए होंगे, है ना, सबके पास आए हैं। तो सब लोग ना, बड़ा आसान तरीका बताऊंगा, सब लोग अपनी अपनी कुंडली बनाएंगे। ठीक है, कुंडली सबने खोल ली होगी। अब सबको मालूम है कि उनकी उम्र क्या है, उनका कौन सा ईयर चल रहा है, सबको मालूम है। एक ना हैरी जी होंगे, उनको एक बार अनम्यूट करके रखेंगे क्योंकि कन्वर्सेशन में सब कुछ चीज समझ में आ जाएगी। बना दिया उनको ना। ठीक है, हाँ जी, हाँ जी, आई एम हेयर जी। ठीक है, तो मैं जैसा जैसा बोलूंगा, आप, हम दोनों की कन्वर्सेशन में सभी लोग समझ जाएंगे कि वर्षफल बनता कैसे। सबने अपने अपनी कुंडली खोल ली होगी। जिसने अपनी कुंडली खोल दी है, मैसेज में एक लिखे, जिस जिसने अपनी कुंडली खोल ली, एक। ठीक है, सबने खोल ली है ना। चलो, जो आपके पास पीडीएफ है उसमें आपकी उम्र का ईयर आ रहा होगा नजर, उसमें 1 से लेकर 120 साल तक का नंबर डले हुए हैं। जो जितने साल का है, जो इंसान जितने साल का है, यस, रनिंग एज, शिखा, रनिंग एज जो आपकी चल रही है, यस, उस साल की लाइन को पकड़ लो। पहले घर में उस लाइन के नंबर नीचे जो नंबर डला हुआ है, पहले घर के ग्रह उस घर में पहुंचा दो। पार्डन प्लीज, सॉरी, दोबारा रिपीट करना जी। मतलब लाइक आपका साल चल रहा है 42वां। ठीक है, अच्छा, हाँ, तो 42वें नंबर पे चले जाओ। आपके पहले घर में जो ग्रह बैठे हैं 42 नंबर पे, वो पहले घर में कौन से घर में जा रहा है? पहले घर के ग्रह कहाँ जा रहे हैं? ठीक है, उस घर में पहुंचा दो। ठीक है, दूसरे घर के ग्रह कौन से नंबर में जा रहे हैं? दूसरे में कोई बैठा है? नहीं। हाँ जी, हाँ जी, बैठे। तो दूसरे के दूसरे वाले नंबर पे पहुंचा दो, हाँ, तीसरे के तीसरे वाले पे, चौथे के चौथे वाले, मतलब जो नंबर उसके वहां पर सीक्वेंस में 1 से 12 नंबर दे रखे, करेक्ट। इस पीडीएफ में। ठीक है, अब एग्जांपल मैं आप ही की कुंडली ले लेता हूँ, मेरा 43 बनेगा। हाँ जो भी बनेगा, अभी ले ही लेते हैं। जिससे सबको समझ में आ जाए, आठ पंद्रह, 6 15, 6 पंद्रह, ये हमने हैरी जी की कुंडली उठाई और ये चला दिया। सर, ये आपका 43वां साल चल रहा है, आपके पहले घर में बैठा है शुक्र और बुध, जी। ये 7वें नंबर में चला गया। वो सिक्वेंस में 7 ही दिख रहा है जो आपको पीडीएफ दी है, 43 नंबर में देखो। जी, ठीक है, दूसरे घर में बैठा है सूर्य, ये चला गया आपके 5वें नंबर में। करेक्ट।
ठीक है, तीसरे और चौथे और पांचवे में कोई नहीं बैठा, ठीक है, तो छठे नंबर का ग्रह कहाँ गया? चौथे नंबर पे। जी सातवें और आठवें में कोई नहीं बैठा, तो नौवें नंबर का ग्रह गया आपका 8,000। 8th हाउस में। हमने 9th तक देख लिया, 9th वाला 8th में आ गया, और 9th वाला गया 10th में, सॉरी 10th वाला गया 9th में, 11th वाला गया 12th में, और 12th वाला गया 6th में। क्या वो सीक्वेंस मैच हो रही है? जी एग्जैक्ट है, ठीक करेक्ट। है। किसी और ने बनाया? प्लीज रेज योर हैंड, किसी और ने अपना बनाया? आशी गोयल जी, आशी गोयल जी को लेंगे एक बार। कमल जी, आशी गोयल जी को लेंगे। आशी यस सर। गोयल, आपकी डेट ऑफ बर्थ बताओ। सर 17 मई 1998 बर्थ टाइम? सर 5:30 PM मेरठ। क्या आपने सही बनाया? देखो, मैच करो बेटा, आपका रनिंग ईयर है। सर हाँ, सर ये 5 वाला लेबल 1 वाला देखना है मुझे, वर्षफल 26। सर कोई एक्चुअली इसमें 26 लिखा रहा है, मैंने 25 के अकॉर्डिंग लिया था, क्योंकि अभी मैं 26 की बात नहीं, कोई 17 बात होंगी, नहीं, तो सर डोंट मैंने ट्वेंटी फाइव डोंट डोंट। आपका आपका 26 रनिंग चल रहा है, अब ये 25 से मैच कर लो। चलो, आपकी बात ऊपर ले लेते। सर इसमें 26 का आ रहा है, मैंने 25 का बनाया। मैं दोबारा बना लूँ सर? बता, 25 का मैंने तुम्हारे अच्छा सामने कर दिया। ठीक है सर, आ गया है सर। नहीं, मेरा तो मैच नहीं कर रहा है सर। इसमें ना गुरु केतु आ रहा है सेकंड में, मेरा शुक्र आ रहा है सेकंड में, क्योंकि 25 में 6 लिखा था मेरे, जो आपने PDF भेजी है, तो 6 में सर शुक्र है मेरे। हो ही नहीं सकता। 25 नंबर पे जाओ। अब आप 25 ही मान रहे हैं, तो 25 में पहले घर में आपके कोई ग्रह नहीं है, दूसरे में कोई नहीं है, तीसरे में कोई नहीं है, जी चौथे घर सर, में चंद्र है, तो चौथे घर के नंबर को देखोगे वो तीसरे में गया। ठीक यस सर, वो थर्ड में आ रहा है। है, उसके बाद पांचवे का देखो, वो दूसरे में गया। छठे को देखोगे, वो आठवें में गया। छठी वाट में, यस सर, सातवें का सातवें में ही है। ठीक यस सर, शनि बुध वो सेम है। है, आठवें का, सॉरी, आठवें का गया आपका चौथे में। संख्या 1 2 3 4, यस सर, ठीक है, नौवें यस सर, मंगल दसवें में सूत्र है। कोई ग्रह नहीं है, 11वें में आपके राहु है, वो गया 12वें में। यस सर, मैच हो गया। यस सर, अब आप समझ गए आप लोगों ने करना क्या है। चलो, यस सर, अब एक समझ आ बार गया। थैंक यू सो मच सर। वेलकम। जय शर्मा, जय शर्मा। जय शर्मा, झुंझुनू वाले। हाँ सर, जय जी श्री श्याम जी। डेट ऑफ बर्थ बताओ आप अपनी। सर। सर 21 अगस्त 1992, बाकी समय सबको है नहीं पता है क्या? 12:05 PM, और बर्थ प्लेस? झुंझुनू। जी एच JH1, JH2, UN, सी JHUL। वो क्या रहा? अरे झुंझुनू गुम क्यों हो गया? स्पेलिंग गलत डाल JHUL, दिया? हाँ JHUN, JHUNU, JHUNU। U हाँ, G एन यू, एन यू, यू, झुंझुनू। यस सर, जी।
रनिंग ईयर 32 यस चेक करो, एकदम एक्यूरेट है सर, सारा ऐसे ही है। बिल्कुल सेम। हाँ और किसको लेना है? पलक जी, पलक जी। हेलो, हाँ पलक जी। यस सर। सर सर मैंने अपनी 35 की भी बना ली, मैंने अपनी 36 की भी बना ली है। मेरे ना एक्चुअली एक एक खाने में तीन तीन ग्रह हैं, तो मैंने वो सारे सारे शिफ्ट कर दिए, तीन के तीन ओ मैंने। ऐसे ही हाँ होंगे। डेट ऑफ बर्थ जी बताओ, डेट ऑफ बर्थ। सर। 18/4 1989 एंड दोपहर के बहुत सर 2:05 दोपहर का, चंडीगढ़ सर। मैच करूं। हाँ जी सर, मैंने दोनों बनाई हुई है, 35 की भी और 36 की भी। 36 के हिसाब से आप दिखा रहे हो। हाँ जी मैं देख रही हूँ। ठीक है सर, ठीक। सर मैंने भी 36 के हिसाब से सही बनाई है। मतलब इस तरह से हम इसे ये भी कह सकते हैं कि अब ये कुंडली नाबालिग होगी, क्योंकि मेरे बीच के सारे खाने चले गए ना, 1/4/7/10, तो मतलब मैं अब नाबालिग होगी, अब तुम नाबालिग हो गई हो, है ना। अब मुझे बालिग। किसी की राय लेके काम करना चाहिए, वरना मेरा सही नहीं होगा ना, ऐसा कुछ है। हाँ जी। अच्छा चलो, इससे आपको समझ में आ गया कि ये जो आपके पास चार्ट, आप लोगों को मैं बता दूं कि इस चार्ट को अपने ऐसे कॉलम में संभाल के रखो कि जो आपके पास हमेशा सेफर साइड रहे। हमारे गुरुजी ने ये बुक हमें दी थी, जिसकी फोटोज खींच के मैंने आप सब लोगों को दी। अब आपके पास सॉफ्टवेयर हो या ना हो, आपको अपना वर्चुअल बनाना आ गया। श्रुति जी देख लो, कहीं मिल जाए तो बाय कर सकते हो, पर मुझे कहीं मिली नहीं है, मेरे गुरुजी देखे गए, है ना। तो एक तो इस बुक को संभाल के रखना, और इस बुक से आप अपना वर्चुअल बनाना सीख गए बड़े आसान तरीके से। यस जय शर्मा जी, राइट। तो वर्चुअल सीखने में कितना आनंद आया, किस किस को आनंद आया, एक बार हैंड डाउन कर देंगे सबके। मुझे मुझे मैसेज है आप लोगों के पास, ग्रेट। सबको समझ में आ गया, कुछ ऐसा तो नहीं किसी को समझ में ना आया हो, बिल्कुल आसान तरीके से बताया, बिल्कुल ठीक है। अब हम सीखेंगे किस्मत का ग्रह। किस्मत का ग्रह, अब किस्मत का ग्रह होता क्या है, बड़ा ही कंफ्यूजिंग होता है, बड़ी ही दिक्कत वाला होता है। इसको समझने के लिए मैं आपको बता दूं, कहते जो किस्मत के ग्रह को समझ गया, अपने किस्मत के ग्रह को निकालना समझ गया, वो इंसान जिंदगी में कभी मार नहीं खाएगा, और गरीब से गरीब इंसान को हम अमीर बना सकते हैं, बस शर्त कि उसको अपना किस्मत का ग्रह निकालना है, ठीक। और ये किस्मत का ग्रह काम कैसे करता है, कहते किस्मत के ग्रह को, अगर किस्मत के ग्रह को हम उसके अनुसार चलना शुरू हो जाए। सिर्फ देखो, हर किसी की कुंडली में 9 ग्रह है, ज्यादा तो नहीं है, किसी के 10-11 तो नहीं है, चाहे वो धीरू भाई अंबानी हो, चाहे राष्ट्रपति हो, कोई भी हो, हर किसी की कुंडली में 2 या 3 ग्रह ही ऐसे होते हैं जो उसकी जिंदगी में उसको तरक्की देते हैं। सारे के सारों को कोई ठीक नहीं कर सकता। जो विद्वान थे रावण जी, ज्योतिष में महारत थी जिनकी, उन्होंने भी कभी अपना 9 के 9 ग्रहों को कभी काबू नहीं कर पाए। तो किस्मत का ग्रह ये काम करता है, और उसके विपरीत ना जाकर उसके साथ चलना शुरू कर जाएं, तो रिक्शा वाले को भी हम करोड़पति बना सकते हैं। पर आज जो चीज मैं आपको समझाने वाला हूं, बड़े ध्यान से समझने वाली है, थोड़ी सी भी चूक बहुत बड़ी गलती करा सकते, तो इसलिए प्लीज प्लीज बीच में कोई बोलेगा नहीं, क्वेश्चन हो तो बाद में पूछेगा। जी श्रुति जी, अभी पूछ लो पहले, क्योंकि आपने रेज हैंड कर लिया, तो आप अभी बात कर लो। नहीं सर, कोई रेज हैंड नहीं है मेरा, वो पहले का था, मैंने वो गलती से डाउन करना भूल गई थी। मैंने कुछ नहीं पूछना, ऑल गुड है। ठीक है, तो
चार स्टेप में बड़े अच्छे तरीके से बताऊंगा। और आज आपको जो सबसे पहली क्लास हमने की थी, मालिक ग्रह उच्च ग्रह पक्के घर, आज आपके काम आने वाले, ठीक है। इसके नोट्स आपको खुद बनाने होंगे, तो सबसे एक रिक्वेस्ट है कि पेपर पेन अपने हाथ में रखें, क्योंकि इसकी कोई पीडीएफ नहीं है और इसकी कोई मैंने वीडियो नहीं बनाई हुई। और कमाल की बात है कि ये दूसरा ग्रुप है जिसमें मैं ये सिखा रहा हूं, इससे पहले मैंने किसी ग्रुप में ये चीज नहीं सिखाई। यू आर लक्की वन, ठीक है। आपको पता है लाल किताब में, जैसे हम वैदिक वाले देखते हैं केंद्र 1 4 7 10, लाल किताब में इसे बंद मुट्ठी के ग्रह कहा गया है। क्या बोला गया इसको? बंद मुट्ठी के ग्रह। बंद मुट्ठी के ग्रह कौन से होते हैं? एक, हाँ जी, 4 7 10। एक, 4 7 10, ये पहला स्टेप, स्टेप वन। एक में सूर्य हो, दो में गुरु हो, तीन में शनि हो, सॉरी 7 में शनि हो और 10 में मंगल हो। एक में सूर्य हो, 4 में गुरु हो, 7 में शनि हो और 10 में मंगल हो, तो ये आपकी किस्मत का ग्रह है, मतलब इसमें से कोई एक। अच्छा ये बताओ, इस स्टेप में किसको अपने एक या दो किस्मत के ग्रह मिले? एनीबॉडी, मैसेज, कौन कौन से ग्रह मिले? पलक को और केशवती को, दो नहीं बोला मैंने, किस किस को दो मिले? कोई एक जिसको दो मिला? अरे 10 में शुक्र मंगल नहीं, 10 में मैंने शुक्र बोला कहीं पे? मैंने बोला सूर्य 1 में, गुरु 4 में, 7 में शनि और 10 में मंगल। इन 4 ग्रहों में किसी को दो ग्रह मिले? भाई ये मतलब ऐसा ना हो कि सूर्य 10 में है तो भी कह रहे हैं जी मेरा 10 में है। नहीं, फर्स्ट हाउस में सूर्य होना चाहिए, जुपिटर 4th हाउस में हो, शनि 7th हाउस में हो और मंगल 10th हाउस में हो। नहीं शीतल जी, लग्न कुंडली में। हाँ अजय जी, वही आगे चलेंगे, अभी स्टेप वन है। जिसके दो ग्रह मिले हो, स्मिता बात कर पाओगी क्योंकि आप एयरपोर्ट पे हो? ठीक है, स्मिता को एक बार अनम्यूट करें, दो मिले हैं इनको। स्मिता मैम, हैंड रेज करो तो मैं आपको अनम्यूट कर लूंगी। जी सुनाई दे रहा है, मेरी आवाज आ रही है? हाँ अच्छा स्मिता, जी, तो मेरी बेटी की चार्ट में है ये, ए पहले घर में सूर्य है और 7वें घर में शनि है। ठीक है। अब आपको दो मिल गए तो आप कैसे जी निकालोगे किस्मत का ग्रह कौन सा है? अच्छा क्योंकि तो दोनों तो किस्मत के ग्रह नहीं हो सकते, कोई एक हो सकता है। जी ठीक है, तो जी एक ना जैसे वैदिक में हो रहा होता है, ठीक है, जी वैदिक में एक हो रहा होता है, ठीक है, उसी तरह से लाल किताब में भी हो रहा है। वैदिक का हो रहा हर रोज बदलता है जी और लाल किताब का फिक्स है, ठीक है। तो आप सब लोग नोट करेंगे वो हो रहा क्या चीज है। सुबह 4 बजे से लेकर 6 बजे तक जो हो रहा होगा वो गुरु का हो रहा होगा। ब्रह्म मुहूर्त का आप बोल रहे हो? 4 बजे, 4 बजे से 6। ये सर्दियों गर्मियों में थोड़ा ऊपर नीचे भी हो जाता है, फिक्स नहीं है, क्योंकि सर्दियों जी में सूर्य देव बाद में उठते हैं। जी मैं एक्चुअली ये आपसे पूछना ही चाह रही थी, जैसे कि अभी देखो यहाँ पे ना ऑलमोस्ट 7 बजे है और पूरी इतनी धूप है, जैसे दोपहर की 1 बजे जैसा धूप है, और विंटर में तो 1:30 2 बजे ही सनसेट हो जाती है, तो ठीक है। सुबह 4 बजे से लेकर 6 बजे तक गुरु का हो रहा है और सुबह 6 बजे से 8 बजे तक जब सूर्य उदय होता है वो सूर्य का हो रहा है। सुबह 8 बजे से 10 बजे तक चंद्र का हो रहा है, 10 बजे से 12 बजे तक मंगल का हो रहा है, 12 बजे से 2 बजे तक शुक्र का हो रहा है, 2 बजे दोपहर, 4 बजे तक बुध का हो रहा है। दोपहर को 2 बजे से 4 बजे तक बुध का हो रहा है, शाम को 4 से 6 राहु का हो रहा है, शाम को 6 बजे से 8 बजे तक शनि का हो रहा है और रात को 8 बजे से 10 बजे तक केतु का हो रहा है। इस सीक्वेंस में
सबसे पहले देखो कौन सा ग्रह आ रहा है आपके दो ग्रहों में से। स्मिता जी, जी सूर्य आ रहा है और शनि सीक्वेंस में सबसे पहले कौन सा आ रहा आई थिंक शनि आएगा ना क्योंकि रात। हाँ है? सीक्वेंस देखो, सबसे पहले मैं किसका बताया, फिर गुरु का सूर्य किसका बताया, का। ठीक है। इसी सीक्वेंस को आपको याद रखना है, तो ओके आपकी बेटी का किस्मत का ग्रह सूर्य बनेगा, अच्छा ओके जो हो रहा में पहले आता है वो बनेगा। वो बनेगा। ओके अब इस गुड़िया को पुराने रीति रिवाजों को मानकर चलते रहना, अपने आप को फिट रखना, अपने से बड़ों को गाली ना देना, नमक तेज ना खाना, सूर्य देव को जल देना, मौजूदा सरकार को गाली ना देना। जो किस्मत का ग्रह है आपकी किस्मत में, आपको देखो तवज्जो हम दोनों को देंगे, सूर्य को भी देंगे शनि को भी देंगे, क्योंकि दोनों किस्मत के ग्रह, ठीक है। तो ये किस्मत के ग्रह उसको डे बाय डे उस ग्रह के जो नियम है उनको फॉलो करके चले तो जिंदगी में कभी भी मार नहीं खाएगी, ओके ठीक है समिता जी जी, सर जी मैं करा दूंगी सर उनसे। हाँ समझ गए। तो अभी ये आपने निकाला अपनी बेटी का, जी अश्वनी जी कह रहे हैं मुझे गुरु और मंगल मिला 1 4 7 10 में, ठीक है। मतलब कि 4 में गुरु है और मंगल 10 में है, तो आप सीक्वेंस में देखो गुरु पहले, तो आपका किस्मत का ग्रह जुपिटर बना, और जुपिटर अपने से बड़ों का मान सम्मान, जी अपने से बड़ों का मान सम्मान, कहते जुपिटर शिक्षा भी है, ऐसा इंसान कोई ना कोई अध्यात्म की पुस्तक पढ़ता रहे। सुरेखा जी तो शनि है, ठीक है। और ये किस्मत का ग्रह जागता कब है, कहते जब ये अपनी उम्र में आता है। आपको मैंने ग्रहों की उम्र कराई थी कि ग्रहों की उम्र कौन सी होती है, जैसे 16 से 21 जुपिटर है ना, तो जब ये अपनी ग्रह में आएंगे तो अब राहु वाला क्या करेगा। अब आप कहेंगे राहु तो आया ही नहीं, तो चलो पहले वो बताते हैं फिर आगे का बताएंगे। पहले स्टेप पे जिनको नहीं मिले वो एक बार लिखो दो, पहले स्टेप पे जिसको कोई किस्मत का ग्रह नहीं मिला। तो अब आ जाते हैं दूसरे स्टेप पे। दूसरा स्टेप क्या है आपके, जिसे बोलते हैं हम बंद मुट्ठी के बाहर के ग्रह, बंद मुट्ठी के बाहर के ग्रह। दूसरे हाउस में चंद्र हो, तीसरे हाउस में राहु हो, छठे घर में बुध और राहु हो, नौवें घर में केतु हो और 12वें घर में शुक्र हो। दूसरे घर में चंद्र हो, तीसरे घर में राहु हो, छठे घर में बुध और राहु हो, नौवें घर में केतु हो और 12वें घर में बुध हो, सॉरी शुक्र हो। इसमें किस किस को मिला आप लोग? यस ग्रेट, ये हो गए बंद मुट्ठी से बाहर के ग्रह। पहले वाले जो मैंने बताए थे आपको, आपने किसी ने नोट किया हो तो आपके पास एक पक्के घर के ग्रह होंगे, पक्के घर के। उस पक्के घर के ग्रहों को देखोगे तो ये आपके बंद मुट्ठी के किस्मत के ग्रह हैं, नहीं वैष्णवी को नहीं कह सकते, ठीक है। तो दूसरे बंद मुट्ठी से बाहर के, तो जिसके बंद मुट्ठी के बाहर के मिल गए तो किसी ने उच्च ग्रह पढ़ा हो, उच्च ग्रह पक्के घर उसके बाद उच्च ग्रह, यहां पर उच्च ग्रहों को लिया गया है दूसरे स्टेप। पहले स्टेप में नहीं मिले कोई बात नहीं, दूसरे स्टेप में मिल गए तो आप उस ग्रह की पंचुअलिटी को, उस ग्रह की रिश्तेदारी को, उस ग्रह का रिश्तेदार मतलब उस ग्रह की आशियों का काम करना, उसी ग्रह की आशियों का काम करना आपको आगे फायदा देगा। मतलब जो आपकी किस्मत का ग्रह है उसको सहेज लो, मतलब उनका व्यापार करें उनको। आ रहे हैं नागेंद्र जी, पर एक बात बता देता हूं, जिनके जितने ज्यादा स्टेप नीचे होते जाएंगे, जिनके जितने ज्यादा स्टेप नीचे होते जाएंगे समझ लो कुंडली में उतनी गड़बड़, ठीक है। मिल गया ना? अब जैसे अजय जी का मिला राहु, अभी बताऊंगा अभी बताऊंगा, आगे मिलेगा सब कुछ। लाल किताब में दरवाजा सबके लिए खुला है, ढूंढना आना चाहिए। अब पहले स्टेप में नहीं मिला, दूसरे में नहीं मिला, अरे जी आपको मिला हाँ जी, राहु है छठे घर का। है ना, दूसरे स्टेप में मिल गया।
और राहु छठे घर का क्या करता है? इंसान को निडर पराक्रमी। राहु छठे घर का इंसान को बहुत जल्दी ना जल्दबाज बना देता है, ठीक है। और अब राहु की उम्र है 42 साल, ठीक है। अब बच्चा आ गया आपके पास 24 साल का, सेम सेम बता रहा हूं विनीता जी, सेम बता रहा हूं। और वो कहता है जी कब मैं मेरे जिंदगी में भाग्य चमकेगा, तो उसको हम ये तो नहीं कह सकते कि 42 साल के बाद चमकेगा। तो वो क्या करे, राहु बनाता है जल्दबाज। तो ऐसे इंसान को प्लानिंग से काम करना चाहिए, जल्दबाजी ना करें, ठीक है। और मां की सेवा करें, मां के ऊपर चिल्लाए नहीं, मां के साथ बना के रखें। तो यहां पर राहु के उसके अनुसार जब आप चलना शुरू कर दोगे, राहु के काम करना शुरू कर दोगे, अब राहु कायम वाले को कभी ससुराल के साथ मिलकर काम नहीं करना चाहिए, राहु छठे वाला कभी गिफ्ट में इलेक्ट्रॉनिक आइटम ना तो देवे ना लेवे, राहु के अनुसार चलना शुरू कर दे, राहु इसको जिंदगी में आगे तक ले जाएगा, ठीक है। अब जिनका ये बताओ, कितने लोगों का सेकंड स्टेप पे भी नहीं मिला, वो तीन लिखेंगे जिनका सेकंड स्टेप पर भी नहीं मिला। ये समझ लो जितना नीचे जा रहे हो उतनी प्रॉब्लम है कुंडली में। तीन नंबर नहीं दिखे, अच्छा दिख गए। मोहित जी बता दूंगा सेकंड स्टेप क्या है, मोहित जी सुन लो पहले फिर आगे चलेंगे। सेकंड हाउस में चंद्रमा हो, थर्ड हाउस में राहु हो, सिक्स हाउस में बुध या राहु हो, नाइन्थ हाउस में केतु हो और ट्वेल्थ हाउस में शुक्र हो, ठीक है। अब जिनको भी सेकंड स्टेप पे नहीं मिला अपना किस्मत का ग्रह, अब आ जाते हैं थर्ड स्टेप। यहां पर स्वयं की राशियां ली गई हैं, जैसे 1 और 8 में हम काल पुरुष की कुंडली लेंगे। हाँ जी, कोई ग्रह हो तो भी हम उसको किस्मत का ग्रह मान सकते हैं, ग्रह हो कोई दिक्कत नहीं है, पर किस्मत का ग्रह हम अपना ही पकड़ेंगे। युति में बैठा कोई दिक्कत नहीं। मंगल को 2 राशियां मिली है, कौन सी, एक मेष एक वृषभ, मतलब पहली और आठवीं, ठीक है। स्वयं की राशि में जो ग्रह बैठा हो, ठीक है, उस नंबर में बैठा हो, हम काल पुरुष की कुंडली लेके चल रहे हैं, मतलब कि मंगल फर्स्ट हाउस में हो या 8th हाउस में हो, ठीक है, शुक्र सेकेंड हाउस में हो या 7th हाउस में हो, क्योंकि वृषभ और तुला उसकी राशि है, बुध थर्ड हाउस में हो या 6th हाउस में हो, चंद्र 4th हाउस में हो, सूर्य 5th हाउस में हो, क्योंकि चंद्र की राशि कर्क है, हाँ जी शरीफ, यस, ठीक है, सूर्य 5th हाउस में हो, गुरु 9th या 12th हाउस में हो और शनि 10th या 11th हाउस में, ठीक है, क्योंकि इनके अपने अपने घर हैं। यहां पर हमने ले लिए मालिक घर। अब यहां पर कंफ्यूजन हो जाएगी कि लोगों को दो दो तीन तीन अपने किस्मत के ग्रह मिलेंगे, किस किस को मिले, ये बहुत बड़ी कंफ्यूजन है, ठीक है। अब जिन जिन को 3 मिले, ठीक है, अपने स्वयं की राशि, तो जैसे मैंने आपको पहले बताया एग्जाम्पल के तौर पे मैं उठा लूं कि पहले घर में किसी, मतलब उसको 3 ग्रह मिले, 9वें घर में मिला गुरु, दूसरे घर में मिला शुक्र और 5वें घर में मिला सूर्य, एक एग्जाम्पल है, पहले घर में गुरु, दूसरे घर में शुक्र, तीसरे घर में मिला सूर्य, तो इसमें से किस्मत का ग्रह होगा। तो होरा में नंबर 1 पे कौन है, तो इसका किस्मत का ग्रह गुरु है, ठीक है, समझ गए जी। ये थी तीसरी स्टेज। अच्छा यहां बताओ कि यहां 3 में, तीनों स्टेजों में भी जिसका नहीं मिला वो 4 लिखेंगे, 1, 2, 3, 4। ये देखो कि कुंडली में उतनी ज्यादा प्रॉब्लम है जितना नीचे जा रहे हैं, ठीक है। तो चौथा स्टेप, फिर हमारे 9वें घर में जो भी ग्रह बैठा हो, हाँ जी, तो सैटर्न को लेंगे, राहुल जी बिल्कुल सही, अगर आपको मिला, अभी इस पर डिस्कस करेंगे, पहले आप समझ लो कि 9वें घर में जो ग्रह बैठा हो, चाहे वो गुरु बैठा हो, केतु बैठा हो या बुध बैठा हो, जिनको इन 3 स्टेज पे नहीं मिला, 9वें घर में जो भी ग्रह बैठा हो, बहुत सारे लोग कहेंगे कि 9वें घर में भी कोई ग्रह नहीं है, ठीक है नागेंद्र जी, जिनको नहीं मिला मैं उनकी बात कर रहा हूँ, 9वां भी खाली है, तो 9वें के बाद देखेंगे हम
थर्ड हाउस। अब बहुत सारे लोग कहेंगे मेरा थर्ड भी खाली है, थर्ड के बाद देखेंगे हम इलेवंथ हाउस, ठीक है। अब कोई कहे मेरा इलेवंथ भी खाली है तो वो देखेगा अपना फिफ्थ हाउस, और कोई कहे फिफ्थ हाउस भी खाली है तो उसके बाद देखेंगे हम सेकंड हाउस, सेकंड में भी कोई ना मिले तो हम देखेंगे सिक्स्थ हाउस, और सिक्स्थ में भी कोई ना मिले फिर देखेंगे हम अपना ट्वेल्थ हाउस, और ट्वेल्थ में भी कोई ना मिले तो लास्ट एंड फाइनल एट्थ हाउस। सबको कहीं ना कहीं मिल जाएगा, पर जो जितना नीचे जा रहा है समझ लो कुंडली में उतनी दिक्कत है। और किसी को तीन चार मिल जाते हैं तो होरा की सीक्वेंस में चेक कर लो, जो सबसे पहले आ रहा है वो आपकी किस्मत का ग्रह है। इस अच्छा तरह से हम अपनी किस्मत के ग्रह को ढूंढेंगे, और गरीब से गरीब नहीं, टोटल चार स्टेप बताए हैं जी अश्वनी जी, 11 स्टेप नहीं है, उसके बाद मैंने घर बताए हैं, चौथे स्टेप में हम हाउसेस देखें, उसके बाद भी एक अपने अनुभव से जो हम देखते आते हैं उसमें एक पांचवा स्टेप जो हमारी मेहनत है, वहां तक वैसे कोई पहुंचता नहीं है, जरूरत नहीं पड़ती। जब पहले दूसरे तीसरे स्टेप में मिल जाए तो आगे जाने की जरूरत नहीं है, ये तब कि पहले दूसरे तीसरे स्टेप में ना मिले तो अगले स्टेप में आप जाए। एक पांचवा स्टेप जो अपने अनुभव से है, आपका होरा का समय और होरा का वार सेम हो तो वही आपकी किस्मत का ग्रह है। वैसे होता नहीं है जल्दी से, आपके होरा का समय और वार। अब आप लोगों का क्वेश्चन आएगा कि राहु और केतु के लिए कौन सा वार लें, ठीक है। तो राहु और केतु के लिए वैसे इस चीज के ऊपर बहुत तर्क वितर्क है, पर जो अभी तक हम लेते आए हैं, राहु का वार होता है वीरवार शाम को 4 से 6 के बीच, और केतु का वार लिया गया है संडे, ठीक है। तो ये पांचवा तरीका है, पर इस स्टेप तक पहुंचने की जरूरत आपको पड़ेगी नहीं, आपको पहले 4 स्टेप में ही पता लग जाएगा। तो कैसा लगा कि अब सब लोग अपनी अपनी किस्मत का ग्रह निकाल सकते हैं, चारों स्टेप में देखें। राहु का तो मंगल बद को मंगल नेक बनाएंगे ना, मंगल बद है तो मंगल नेक बनाएंगे, उसको मंगल नेक वाले काम करने पड़ेंगे, उसका नेचर चेंज कराएंगे, तब जाकर के वो अपना मंगल को किस्मत का ग्रह मान के मंगल के विपरीत काम ना करके मंगल के अनुकूल काम करना शुरू करेगा। वीनस वाले को लग्जरी बहुत मिलती है जिसका वीनस किस्मत का ग्रह हो, तब जाने की जरूरत नहीं है। अगर फर्स्ट स्टेप पे मिल जाए तो सेकंड थर्ड स्टेप पर जाने की जरूरत नहीं है, फोर्थ तक भी लोगों को पहुंचना पड़ता है, पर लाल किताब में सबके लिए दरवाजा खुला है। इस तरह से आप अपनी किस्मत का ग्रह निकालें और उसको उसी के अनुकूल चढ़ा दें, आपको मैं बता रहा हूँ रिक्शा वाले को भी अमीर कर दे, ये गारंटी है। और भूल चूक लोगों से यही होती है, किस्मत का ग्रह निकालना आता नहीं है। वो भी बताएंगे राहुल पुरी जी, सब कुछ बताएंगे, सब्र का दान तो करो। जो चीज सिखाई अच्छी नहीं लगी क्या? हाँ जी, तो कैसा लगा आज का टॉपिक? हाँ जी सर, बहुत बढ़िया। और उसके बाद जो हम किस्मत का ग्रह निकाल लेते हैं उसके साथ उसकी निशानियां मैच करना भी बहुत जरूरी है, कि वो अच्छा काम कर रहा है या बुरा काम कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह से किस्मत की जब आप ग्रह निकाल लेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आपको कुछ और ज्यादा देखने की जरूरत पड़ेगी। अब आप लोगों के लिए हाउस ओपन है, दो टॉपिक मैंने आज आपको बेसिक के समझाए कि किस्मत का ग्रह कैसे निकालें और वर्षफल कैसे बनाए। अब जो क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं अपने रेज हैंड कर लें, मैं उसको ओपन कराता जाऊंगा। तो राहु के अधीन होकर काम करो, राहु प्लानिंग भी है, प्लानिंग से काम करो, ठीक है। पर जितना स्टेप नीचे जा रहे हो उतना दिक्कत भी है कुंडली। तो निपुण जी आपका फिफ्थ हाउस का मंगल, मंगल फिफ्थ हाउस में है तो फिफ्थ हाउस मतलब चौथे स्टेप पे मिला। आप मीठा ना खाएं, नीम का पेड़ लगवाएं, भाइयों दोस्तों के साथ बना के रखें। शोभा जी सेम आपके लिए, ठीक है। चलो, तो जिन जिन लोगों ने रेज हैंड कर रखे हैं, कभी घर का मुखिया ना बने दृष्टि गर्ग जी, क्या नाम है, कमल जी या पद्मा मैम है? सर अनम्यूट करें उनको, बोलिए दृष्टि जी दृष्टि जी अनम्यूट करिए। हेलो जी दृष्टि जी अनम्यूट करिए जी। हेलो सर, सॉरी मेरा आवाज वो पूरा इन्फेक्शन हुआ है तो शायद आवाज ठीक से नहीं आएगी। ठीक है, क्लियर है, ठीक है। श्रुति जी, कमल जी की श्रुति जी को अनम्यूट कर दीजिए, जी जी अनम्यूट कर दीजिए श्रुति जी। श्रुति जी अनम्यूट करिए। हाँ जी सर, राधे राधे।
आवाज आ रही है सर अरे आपको? सर जैसे आपने फर्स्ट स्टेप में बताया था बंद मुट्ठी के ग्रह, जब आपने बताए थे कि 1, 4, 7, 10 में, तो अगर किसी ग्रह में दो बैठे हो तो भी वो सेम ही चीज रहेगा ना, उससे उसका वो तो नहीं खत्म होगा? मतलब अगर एक ग्रह में दो है तो जो जैसे मान लो जुपिटर और शनि है, तो शनि वहां पे आपका मतलब बन जाता है, मतलब फर्स्ट स्टेप पे ही बन जाता है आपका, सेवंथ वहां पे शनि 7th हाउस में होगा में? हाँ तो बन जाता है, ठीक है सर। दूसरा ये है कि वो आपने ना केतु संडे का दिन बताया, पर आपने टाइम नहीं बताया केतु का, होरा का टाइम, सारा दिन, सारा 8 से 10 महीने बताया ना होरा का टाइम, क्यों नहीं बताया? होरा के दिन और अच्छा होरा के समय पे पैदा हुआ है कि 5th स्टेप है, इस पर इतना जाने की जरूरत नहीं जरूरत पड़ेगी। नहीं पड़ेगी, ठीक है। बस यही दो दो जो बाकी तो सब समझ आ गया सर, थैंक यू। कैसा लगा आज का टॉपिक आप लोगों बहुत को? बढ़िया सर, एक्सीलेंट, और आज एकदम डिटेल में समझ आया, और बड़ा मजा भी आया एक्चुअली आज ये, इट वाज इंटरेस्टिंग टॉपिक, तो अच्छा लगा, मजा आया जानके, थैंक यू। जय शर्मा जी। हाँ जी सर, टॉपिक अच्छे समझ आया। एक चीजें हैं, एक तो मुझे फोर्थ स्टेप है वो मैं वीडियो देख लूंगा, दोबारा समझ आ जाएगा। ये नहीं मैं पूछना है बोल सर, रहा नहीं था, कोई इश्यू नहीं है सर, वो रिपीटिंग में आ जाएगा, कल देख लूंगा। मुझे ये बता दीजिए केवल कि राहु और केतु का मेरा सेकंड स्टेप में बन गया, तो राहु का ही आएगा मेरा किस्मत का ग्रह, क्योंकि उनका पहले राहु समय कौन से घर में है राहु आपका? थर्ड राहु ठीक है, थर्ड और हाउस में नाइन्थ अपने वो उच्च ग्रह में हो गया, उच्च ग्रह में होगा। और आपकी उम्र भी देखो, राहु कब जागृत होगा अपने आप? 42वें साल में जाएगा, हाँ मेरी 32 है आप 42 साल तक तो वेट नहीं करोगे ना, जी। ठीक है? तो आप जो है अभी से प्लानिंग से काम करें, माँ की सेवा करें, राहु जी के विपरीत कोई काम ना करें, कोई गलत काम ना करें, झूठी गवाही ना दें, ठीक बिल्कुल है? इन चीजों का जी ध्यान रखें। राहु जिस चीजों से बद होता है ना, राहु जिन चीजों से खराब होता है, वो आपको आगे की क्लास में समझ में आ जाएगा, ठीक तो वो ठीक है आपको सर, ना हो, बिल्कुल और बिल्कुल सर, आगे लोगों को भी वही होगा। बिल्कुल सर। बाकी सर आपने ऐसी ट्रिक बता दी, सच में देखना भी नहीं पड़ेगा, इतना इजीली समझ में आ गया किस्मत का ग्रह। बहुत ही ग्रेट आपका सर, रियली नॉलेज, थैंकफुल है हम कि आप मिले हमें सर। जिन जिन का श्याम होता जा रहा है ना, कमल जी उनका हैंड रेज डाउन कर देना। यस सर, आशीमा अनम्यूट कर लो। हरी जी समझ में आ गया आपको? ऑल क्लियर जी, मतलब ऑल क्लियर नहीं होना चाहिए, क्लियर होना ये चाहिए। वाला टॉपिक ऑल क्लियर। हाँ जी, हाँ जी, हाँ राधे जी, राधे सर। राधे राधे, सर बोलिए। एक तो ये क्वेश्चन पूछना था, जैसे 6th हाउस में बुध प्लस राहु आपने बोला, तो दोनों में से मेरा बुध ही है सिर्फ, शनि के साथ, राहु के साथ नहीं है, तो भी हमारा वो कंसिडर हो जाएगा? हाँ जी, राहु कंसीडर हो जाएगा। नहीं सर, 6th हाउस में है मेरा बुध। हाँ तो कोई बात नहीं, बहुत कंसीडर हाँ हो जी, जाएगा ना। ठीक है सर। और सर मुझे वर्षफल समझ नहीं आया बिल्कुल भी, क्योंकि मैंने एस्ट्रोलॉजी नहीं पढ़ा, तो मैं वही कंफ्यूज हो गई, 10 में 12 चला जाएगा, 12 में 1 चला जाएगा, तो मैं उसमें, हाँ जी सर, बोलो कम, समझो ज्यादा। हाँ जी, आपको मैंने एक पीडीएफ दी है ग्रुप हाँ जी, में, ठीक हाँ जी, है? उस ग्रुप कि जब खोलोगे तो आपका जो रनिंग ईयर चल रहा होगा, आप अपनी लगन कुंडली खोल लो। लगन कुंडली तो समझ में आती है कि वो भी नहीं आई? तो नहीं सर, वो समझ में आती है। अच्छा आप अपने साल पे जाके जोन से ग्रह का नंबर, जोन से घर में जा रहा है, ओके जोन से नंबर का ग्रह जिस घर में जा रहा है उस घर में बिठा दो, वो आपका वर्षफल बन जाएगा उस साल। सर, जैसे मैं बताती हूँ मैंने क्या समझा। जैसे मेरा लिखा हुआ है घर 1 और 10 नंबर लिखा है उसके नीचे, तो तो मेरा पहले जो घर में फर्स्ट जो भी हाउस ग्रह है, बैठे हैं, पहले घर में जो भी ग्रह बैठे हैं वो 10th हाउस में चले जाएंगे। ओके, मैं उल्टा समझ गई थी, मैं सोच रही थी कि फर्स्ट हाउस में वो लिखना है 10th वाला। ओके ठीक है, जो पहले घर के वो है, दोबारा रिपीट कर दीजिए सर ये लाइन, मैं नोट कर लूंगी। पहले घर में ग्रह बैठा है वो 10th हाउस में चला जाएगा, जोन से नंबर में वो ले जा रहा है, ठीक है? और जो घर खाली ओके होंगे उनको छोड़ देंगे। मान लो किसी का पहला घर खाली है, दूसरे घर में ग्रह है, तो दूसरे घर का ग्रह जहां जा रहा है वहां चले जाएगा, तीसरे घर में जो ग्रह है वो वहां चला जाएगा, जो नंबर वो वहां पर आपको शो हो रहे हैं। तो जैसे सर अभी आपने कहा कि फर्स्ट हाउस का जो, हाँ जी, इस बुक को बहुत संभाल के रखना, हाँ जी, ऐसे फोल्डर में डालना जाए कभी। हाँ जी, बिना किसी सॉफ्टवेयर के बना सकते। सर जैसे आपने कहा कि फर्स्ट हाउस का प्लेनेट जो है वो 10th हाउस में चल जाएगा, जैसे मेरा 1 में 10 लिखा हुआ है, तो अब मेरी उस कुंडली में केतु जैसे आता है फर्स्ट हाउस में, लगन कुंडली में, तो उसको मैं 10th हाउस में डाल दूँ, यही चीज करनी है? ओके, थैंक यू सो मच सर। रनिंग ये मतलब ईयर, मतलब ठीक है, जो साल अभी आपका चल रहा है काजल। हाँ जी सर, सर सेकंड टॉपिक तो समझ में आ गया, ये वर्षफल वाला ही थोड़ा डाउटफुल है, मतलब जवाब समझाया,
हाँ उसमें आप मतलब जो लग्न कुंडली है उसमें जो पहले घर में जो ग्रह है, अगर मेरे इसमें वर्ष फल में दिखाई दे रहा है कि उसको 12वें घर में, तो गुरु अगर मेरे लग्न कुंडली में पहले घर पे है तो उसको 12वें में मैं नोट करूँ, ऐसे ही पूरा एक से लेके। बारह ओके ठीक है, ये फाइनल हो गया। थैंक यू सर। राधे शिपाली राधे सर। दिखा सर मुझे समझ में तो दोनों चीजें आ गई हैं, लेकिन ये जो आपने किस्मत का ग्रह बोला था, तो आपने पहले स्टेप में कहा था कि 3 है 2 मिल गए हैं या नहीं, तो सर 2 तो नहीं मिले थे, लेकिन 10th में भी मिल गए हैं, लेकिन मुझे चीज नहीं पता। और सर ये वर्ष फल कुंडली तो बनानी आ गई, तो सर इसका यूज क्या, मतलब पूरा ये हमारा इसके अकॉर्डिंग ही फिर देखा जाता है। यस ओके थैंक यू सर। मोहित सबरवाल जी, मीना त्यागी जी, मोहित सांझवाला। सर मेरा क्वेश्चन है वर्षफल और 35 साल चक्र को लेके। सो वर्षफल में जैसे कोई ग्रह है, जैसे फॉर एग्जांपल मंगल, वो अगर अच्छा है और 35 साल चक्र का लाल किताब दशा मंगल की चल रही है फॉर एग्जांपल, और अपनी लग्न कुंडली में वो मंदा बैठा है, सो उस केस में फल वर्षफल के हिसाब से देगा या अपने दशा के हिसाब से देगा? वर्षफल और दशा दोनों के हिसाब से। अच्छा, ज्यादा ऐसा कुछ नहीं किसी की तरफ, वो ज्यादा उस साल का अगर वर्षफल है तो ज्यादा उस तरफ फल देगा। वर्षफल देखो, लगन कुंडली तो पूरी जिंदगी साथ चलती है, ठीक है, बट वर्षफल उस वर्ष क्या होने वाला है, ठीक है, और उस दशा में भी है, तो जैसा आपका होगा वैसा आपको रिजल्ट आ रहा होगा, कहीं से अच्छा कल्प्रेट तो नहीं हो रहा, तो आगे योग आएंगे ना बेटा, तो ये चीज हो अच्छा जाएगा ठीक समझ। है, थैंक यू। जी वेलकम सर। मीना त्यागी जी, हेलो। जी हाँ जी सर, नमस्ते। नमस्ते सर, मेरा क्वेश्चन था एक तो वर्षफल को लेकर, वो तो मेरे को अभी नहीं समझ में आया, ठीक है, और दूसरा मैं ये पूछी थी, जैसे आपने बताया जो आप निशानियां इनकी बता रहे हो, जो आपने ग्रह बताए, तो वो आप अभी लिखवाओगे सर? उसका आगे कोर्स में होगा, तो बेसिक बताया है कि किस का ग्रह निकालते कैसे हैं। अच्छा, तो वो जैसे जिसका जैसे सूर्य वीक है तो उसकी क्या निशानी है, वो आप बताएंगे ना अभी? ऑफिस है मैम। हाँ जी। और सर दूसरे में ही पूछी थी, जैसे मेरे फर्स्ट हाउस में सूर्य और बुध दोनों है, तो उसमें मैं डिग्री वाइज देखूं या कैसे, मतलब पता चलेगा? हाँ कितनी टाइम बोली जी। मैंने, डिग्री कहीं बोली? नहीं, आपने हो रहा बोली सर, बस है सर। और सर अगर जैसे 12th हाउस में गुरु है तो उसको देखेंगे सेकंड स्टेप में? नहीं, तवज्जो हम जो भी किस्मत के ग्रह निकले हैं सबको देंगे, अच्छा बट आपका मेन जो एक्चुअल है वो वही रहेगा जिसके अकॉर्डिंग आपको चलना। जो 1-4-7 में आएगा। मैंने 4 स्टेप बताए ना, तो हाँ जी, आपका पहले स्टेप में मिल गया तो ओके है ना। अच्छा ठीक है सर, ठीक है, ठीक है, थैंक यू जी सर। हाँ जी, थैंक यू सर। शिप्रा जी, शिप्रा सरवा। सर आज का टॉपिक तो बहुत ही अच्छा था और बहुत इजीली समझ में भी आ गया। सर मैंने बस ये आपको मतलब शायद याद कराना था कि पिछली बार ना मशनोई ग्रह आपने बोले थे, क्या बोर्ड पे समझाएंगे थोड़े से? बोला नहीं मैंने, एक हाँ जी अच्छा ठीक है, बस यही सर रिमाइंड कराना था। टॉपिक एक्स्ट्रा ही समझा दिया, और मैंने ये भी बोला कि अभी तक मैंने सिर्फ एक दूसरा ग्रुप है जिसमें मैं ये बता रहा हूँ, जी ठीक है। हेलो, जी बस थैंक यू सर। हिमानी, वेलकम। हिमानी जैन, ये कायम का मतलब क्या होता है? आपने बहुत बोला राहु अच्छा। कायम। ठीक कायम मतलब उसको अच्छा रखना, राहु के विपरीत काम ना करना। है सर। और ये तवज्जो क्या होता है? तवज्जो तवज्जो गलती होगी मैडम, दीवार मेरे सामने होती तो मैं अपना सिर फोड़ लेता। तवज्जो मतलब उस पर ध्यान देना, लिखा जैसे जैसे उसको पूरी इज्जत मान बख्श।
ठीक है, आप समझ में आ गया? समझ में मधुरिमा, मधुरिमा जी, आया। हाँ सर, एक चीज पूछना था। आपने जब सिखा, आज का नहीं है सर, एक छोटा डाउट है, बस क्लियर हो जाएगा तो पूरा चीज क्लियर हो जाएगा। सर आपने बोला था 1 to 6 पहले घर और 7 to 12 बाद के घर, लेकिन सर 1 to 6 राइट साइड होता है कि लेफ्ट साइड होता है बॉडी का, ये जानना है, क्योंकि ये वाला और जो पद्मा मैम ने दिया दोनों कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे थे। 1 to 6 लेफ्ट लिखो आप। 1 to 6 लेफ्ट होगा सर। ओके सर, ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। प्रेरणा जी। राधे राधे सर। जी प्रेरणा जी। सर जो आपने ये होरा बताया, ये थोड़ा सा मेरे से मिस हो गया। जैसे सेकंड स्टेप में मेरा राहु केतु और बुध, ये तीनों ही बन रहे हैं, तो इसमें सर किसको लिया जाएगा, बुध को, किस्मत का ग्रह? डेफिनेटली होरा में सबसे ऊपर बुध है, तो बुध ही खुली है। वो मिस हो गया ना, मैंने स्टेप वाइज बस प्लैनेट्स को लिए थे। और सर ये जो वर्षफल आपने बताया, आपने जो बताया उस वो तो मुझे बहुत अच्छे समझ में आएगा, मैंने बना भी लिया है, लेकिन जब हम एप्लीकेशन में देखते हैं जो एस्ट्रो से जाते हैं उसमें कुछ अलग दिख रहा है, तो हमको इसी को ज्यादा इम्पोर्टेंस, मतलब इसी को देना है ना इम्पोर्टेंस जो आपने बताया एक बात बताओ, जब इसमें। आपके हाथ में ताले की चाबी है, हाँ जी सर। फिर गाइड को देखने की जरूरत है? नहीं सर, बस ये यही क्लियर करना था सर जी। थैंक यू सर। पूजा पाल जी। नमस्कार सर। सर मुझे हाँ समझ में तो आ गया है, बस एक चीज डाउट क्लियर करना है। जैसे वर्ष पर कुंडली है, अब जैसे 43 1/2 है, तो हम किस में कंसिडर करेंगे, 43 में या 44 में? रिपोर्ट चल रहा है आपका, 44 रनिंग है। मैंने रनिंग ईयर बोले। ओके, तो उसको 44 में ही समझ में आएगा हमें, मतलब की देखना है उसे। ठीक है सर, बस यही चीज लेकर। थैंक बोनी जी, 91 2 3 इनके इनमें से क्वेश्चन क्लियर वन हो गए हो टू अपने थ्री रेज हैंड फोर डाउन कर फाइव दो सिक्स सेवन राधे राधे इनकी। राधे राधे बोनी जी। सर एक्चुअल में मेरे से पहले एक मैम ने क्वेश्चन पूछ लिए थे सेम, कि अगर स्टेप टू में एक ग्रह मिला है, देखो जैसा सिक्स सिक्स हाउस में राहु मिला है और एक फोर्थ स्टेप में मिला है, 9th हाउस में मर्क्यूरी मिला है, ठीक है, तो वो वहीं पे क्लियर हो गया कि जो आपका होरा के हिसाब से रहा है उसको लेंगे अपन, तो पहले मेरे को बुध को ही लेना होगा, ठीक है। बट अगेन स्टेप फोर में 6th हाउस में शनि भी मिल रहा है, तो मतलब राहु और शनि 6th हाउस में है और बुध 9th हाउस में है, तो पहले मेरे को बुध के हिसाब से ही काम करना होगा ना पूरा का पूरा, खुद आपका किस्मत। किस्मत का ग्रह बुध रहेगा। ओके सर, ऐसा भी हो सकता है कि हम तीन जैसा अगर मिलते हैं तो तीनों को जो हमारे जो किस्मत के ग्रह उसके हिसाब से काम कर सकते हैं, तीन हाँ मल्टीपल के जी लिए। कर सकते हैं, पर बुध को सबसे पहले, बुध मल्टीपल टास्किंग भी तो बनाता है ना इंसान को। हाँ सर, तो आपके क्वेश्चन भी वैसे ही आने थे। सुरेंद्र नाथ जी। सर कुंडली से, मेरा जो कुंडली है ना, इसमें से मेरे को परेशान आता है, मेरा कुंडली है 4 में दिखा रहा है बृहस्पति है, जो है हमारा जुपिटर है, अलगा जो अलग जो कुंडली मेरे को दिखा था वो 11th हाउस में 5 ग्रह रह गए हैं, मेरा कुंडली में 10th हाउस में राहु है। अरे महाराज, तो पहले आपको जुपिटर जब 4th हाउस में मिल गया तो आगे क्यों जा रहे हो? नहीं सर, मैं आगे नहीं जा भाग रहा हूँ, मैं जो मेरे को समझ में नहीं आ रहा, जो 10 में राहु है फिर 11 भी राहु आ जाता है, अलगा जो सप्य रहता है देखने से। जी गुरु, किसी को भी समझ में आया हो उन्होंने क्या बोला? आज हमने किस्मत के ग्रह की बात करी है सर, तो ठीक है आपको जो उसमें जुपिटर मिल गया तो आपका किस्मत का ग्रह जुपिटर है, ठीक है, आप जुपिटर के अनुसार काम करें। क्या करें हम गुरुजी? शिक्षा, अध्यात्म, ठीक है, मान सम्मान, अपने से बुजुर्गों का मान सम्मान करें, कोई ना कोई पुस्तक जरूर पढ़े, अध्यात्म की पढ़े तो और अच्छा है, तो पूजा पाठ ही पढ़ते हैं सर हर दिन। हाँ वो करेंगे तो आप आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है सारू, आईफोन। थैंक यू गुरु जी, प्रणाम। सर नमस्कार। नमस्ते। तीसरे थर्ड उसमें ना मुझे तो नहीं मिला था, मैं अपने हस्बैंड की कुंडली देख रही थी, तो उसके बाद फिर आपने जब फोर्थ स्टेप बताया तो उसमें मुझे मिल गया, 5th हाउस में मुझे मिले गुरु, नहीं सॉरी 6th नहीं। सर मैं थोड़ा कंफ्यूज, सर मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गई हूँ, वैसे मुझे समझ आ गया टॉपिक, तो मैं तभी मैं थोड़ा सोच रही थी कि आप एक बार आप अगर मुझे बता देते। मैंने अपनी तरफ से तो गुरु निकाला था कि उनका जो किस्मत का ग्रह बनता है वो गुरु बनता है। कौन से स्टेप में? जैसे सर 3rd हाउस
आपने बस खाली हो, तो आपने ऐसे करके इनकी कुंडली में प्रॉब्लम भी बहुत मिलेंगी अगर फोर्थ स्टेप थर्ड स्टेप मतलब सेकंड के बाद जितने स्टेप नीचे जा रहे हैं। स्टेप में ना थर्ड हाउस में मुझे शनि मिला, इलेवंथ और फिफ्थ खाली मिले, सेकंड में मुझे केतु। होरा के हिसाब से जो गुरु हैं, हाँ जी, तो शनि बनेगा सर। गुरु कौन से घर में है सर? गुरु उनका बनता है और सिक्स हाउस में सर। हाँ सिक्स में। और थर्ड हाउस में क्या है सर? शनि। फिफ्थ हाउस में? सिक्स हाउस में गुरु है सर। सिक्स में गुरु है, फिफ्थ खाली है, फोर्थ में मंगल है और एट्थ में सूर्य राहु और शनि इकट्ठे बैठे हैं। सेवन हाउस एट का सूर्य पकड़ू ना। होरा में सबसे ऊपर क्या है सर? होरा में सर, होरा में सबसे ऊपर आपने बताया था सुबह 4 से 6 गुरु का समय है, फिर 6 से 8 सूर्य का है। ठीक है, तो सूर्य को ले हम। गुरु कौन से घर में है? सिक्स में। नहीं, तुम गुरु को ले, गुरु बनेगा इसका। बाकी एक बार कुंडली देखेंगे तब पूरी एनालाइज होगी। क्या मैम से जी? सर रीडिंग रीड किया है, मुझे 30 मई का समय मिला है। आर्यन मान जी। जी सर जी। सर नाम रिपीट करिए दोबारा। आर्यन मान। जय श्री श्याम सर। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम सर। एक तो चंद्र की होरा का एक बार रिपीट करना था, वो फिर वीडियो से देखना पड़ेगा। 8 से 10 बजे। 8 से 10 बजे। एंड सर अगर थर्ड हाउस में केतु चंद्र और शुक्र तीनों हो तो इसमें से कौन सा माना जाएगा? होरा में सबसे ऊपर कौन है? चंद्र। ठीक है, सुजन सिंह जी। सत श्रीकाल जी। सर थर्ड स्टेप पर ना इतने इंटरनेट करके ना आवाज थोड़ी लैक हो रही थी, शुक्र वास्ते सेकंड ते सेवंथ हाउस सीगा जी, ते थर्ड च बुध सीगा। थर्ड और सिक्स्थ में। हाँ जी, और होरा के हिसाब से शुक्र पहले आ रहा है, शुक्र हो गया ना फिर किस्मत का ग्रह। शुक्र वास्ते की करना सर? देवी की सेवा, भाभियों का मान सम्मान, छोटी कन्याओं को खीर बनाकर खिलाएं, सज धज के रहें, लग्जरी आपको बहुत पसंद आती होगी। यस, थैंक यू सर, थैंक यू। शुक्र काम करें। ठीक है जी। शुक्र रिलेटेड सर कैसा जी ना? शुक्र जैसे लेडीज से जुड़े हुए काम, लग्जरी काम, फूड प्रोडक्ट्स, फूड मंगल से। ओके ओके, फूड मंगल से। ठीक है। रमेश जी, रमेश के शर्मा। राधे राधे सर जी। जी रमेश जी। सर मेरे स्टेप 4 में आ रहा है, तो 4 में मुझे कंफ्यूजन थी कि जैसे आपने पहले बताया कि 9th में जो भी ग्रह बैठा हो पहले वो देखना है, उसके बाद खाना नंबर 3 में देखना है। तो 9 मेरा खाली है, खाना नंबर 3 में मेरे बृहस्पति और शुक्र है, और सेकंड में सूर्य और राहु है, तो इसमें दोनों में 3 और 2 में मैं कौन सा देखूं, बृहस्पति को या सूर्य को? सूर्य राहु को क्यों देखोगे, मैंने सेकंड टाइम बोला। नहीं, इसमें आप कहते 3 नंबर में खाना नंबर 3 में देखिए, उसके पहले बाद 11 में देखिए, पहले 9 को देखेंगे, 9 में कोई ग्रह है तो वही किस्मत का ग्रह है। खाली है सर, सेकंड में सूर्य देखेंगे। थर्ड, हाँ थर्ड बिल्कुल, थर्ड को उसमें बृहस्पति और शुक्र है, इसमें बृहस्पति को पकड़ लो। ठीक है जी। ठीक है गगन शर्मा जी। गगन शर्मा जी। सर मेरा क्वेश्चन था थर्ड स्टेप वाला, उसमें आपने कहा था कि भी स्वयं की राशि में बैठा होना चाहिए, है ना? काल पुरुष की कुंडली भी तो बोला था मैंने साथ में, हम काल पुरुष की कुंडली ले रहे हैं। अच्छा, तो मतलब अगर सेवंथ खाने में बैठा है और उसमें मिथुन राशि बैठी हुई है तो मिथुन राशि का ग्रह देखेंगे उससे पहले? नहीं, सेवंथ का ही देखेंगे। अच्छा, तो जो काल पुरुष जो अपनी लाल किताब वाली है उसके खाने के अकॉर्डिंग देखेंगे? यस। मान लो जैसे 8वें घर में मंगल बैठा है तो मंगल माना जाएगा, क्योंकि मंगल के घर पहला और 8वें में मंगल है तो मंगल माना जाएगा, यही हो जाएगा ना सर? ठीक है सर, थैंक यू। रंजीत जी। सत श्रीकाल सर। सर मेरे ना दो सर मुझे दो डाउट थे सर। पहला तो ये है कि जैसे हमने किसी का ग्रह पहले में मिल गया, ठीक है जी, फिर सेकंड स्टेप में भी कोई ग्रह मिल गया, पर जो सेकंड स्टेप में जो ग्रह मिला है वो होरा में ऊपर आ रहा है, तो दाना ही नहीं है। अच्छा, जो पहले वाला वही कंसिडर होगा उसका, ठीक है सर। और एक और ग्रहों की उम्र मुझे समझ में नहीं आई कनेक्ट कैसे करनी है, जैसे मेरा 4th में गुरु है तो गुरु हो गया, पर गुरु की उम्र है 16 साल,
इसका मतलब है वो 16 के साल में एक्टिवेट होगा या 16 साल से एक्टिवेट हो जाएगा, और उसके बाद सर हाँ जी 16वें साल से एक्टिवेट हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा, और उसके बाद सर वो कौन से ईयर में ज्यादा एक्टिवेट होगा? मल्टीपल ऑफ इसका जैसे 4 का लेना है, जैसे 16 में एक्टिवेट हो गया, फिर वो 20 में होगा ज्यादा, फिर 24 में ज्यादा एक्टिव होगा, या वो फिर उसके बाद एक्टिव ही चलेगा हमारे कार्यों पे होगा, एक्टिव ही रहेगा। और अगर किसी का सर जैसे किसी का शनि है वो 36 में एक्टिव होगा, बट हम अच्छे काम करके उसको पहले भी एक्टिव कर सकते हैं, इसका मतलब ये है। हाँ जी सर वो आगे समझेंगे बेटा, वो आगे समझेंगे, ठीक है सर। वो बस 16 साल वाला ही था, मुझे था कि पता नहीं 16 की उम्र से आके, ठीक है सर। दूसरी क्लास में 12वीं क्लास का क्वेश्चन पूछ रहे भाई, ठीक है सर, मुझे बस ये उम्र का कनेक्शन नहीं आई आ रहा था, ठीक है, थैंक यू सर। मोहित भारद्वाज जी, जय श्री राम जी। हां मोहित जी, जब तीसरा स्टेप बता रहे थे ना, मेरा वॉइस स्विच ऑफ हो गया था सर, तीसरा स्टेप पे एक बार दोबारा वो रिपीट कर देंगे या बस मेरा जो मुझे दिख रहा है तीसरा स्टेप में मेरा 8वें में मंगल आ रहा है, तो मेरा 8वें का होगा। और कोई दिख रहा है तीसरे स्टेप में? दो तीन निकल रहे हैं। नहीं, मेरा तीसरे स्टेप में 8वें में मंगल आ रहा है। चलिए, ये चीज मैंने 15 दिन पहले भी पढ़ी थी, इसलिए मैं मुझे याद था, मैं पूछना चाहता हूँ। तो मंगल ही आपकी किस्मत का ग्रह है? मंगला उसमें सर क्या करना चाहिए अगर आप बता दीजिए, मैं बहुत दिक्कत में चल रहा हूँ। आपके साथ खड़ा होकर कोई काम ना करें। हाँ जी सर, आपके साथ खड़े होकर कोई काम ना करें, ठीक है, भाइयों से ना, अपने आप को जिम विम वर्जिश वर्जिश करें, हनुमान जी की पूजा करें, उसके विरुद्ध कोई काम ना करें, नॉनवेज शराब अंडे से परहेज रखें। अच्छा, जैसे आपने बोला था चौथे घर में, मैं जैसे मैं सोना चौथे घर में शनि हो वो ड्रिंक कर सकता है, वो भी छोड़ दें। अगर मंगल को अच्छा करना, शनि के तो और उपाय मिल जाएंगे, जरूरी नहीं कि पीना ही उपाय है। ठीक है जी, ठीक है, ओके ओके, थैंक यू सर। पलक सॉरी प्रशांत शर्मा जी, जय श्री श्याम सर। जय श्री श्याम प्रशांत जी। सर एक जो जैसे तीसरे में बुध आपने बताया या मंगल एक में बताया, तो कई बार क्या होता है तीसरे में बुध अच्छा नहीं माना जाता है ना, कभी मंगल। वहीं पर जब आपको ये पता लग गया कि मेरी किस्मत का ग्रह बुध है, तो हम उस बुध को ही अच्छा करेंगे, कुछ भी हो, बहन बुआ बासी बेटी साली के साथ बना के रखेंगे, व्यापार पे पूरा ध्यान देंगे, फिटकरी से दांत साफ करेंगे। जब आपको ये पता लग गया कि आपको बिजनेस बुध से रिलेटेड करना है, कमीशन बेस्ड बिजनेस कर सकते हैं, वाणी से जुड़ा हुआ बिजनेस कर सकते हैं, तो आपको वही तरक्की देगा। अच्छा अच्छा तो मतलब वो अगर मतलब खराब भी दे रहा है तो उसके हिसाब से करने से, अच्छा अच्छा उसी उसी पे लगे रहा, ठीक ठीक है, थैंक यू। मोनिका शर्मा जी, राधे राधे सर। सर एक तो मैंने वही क्वेश्चन पूछना था जो आपसे पहले पूछ लिया किसी ने, विकाल पुरुष कुंडली के अकॉर्डिंग ही हमने इसको देखना है। और सर मैंने जैसे मेरा वृष लगन है मेरे बर्थ चार्ट में, और तो मैं उसको सेकंड हाउस मानूंगी। और आप क्यों सेकंड हाउस मानोगे सर? सेकंड आपने कहा ना काल पुरुष की कुंडली के अकॉर्डिंग, काल पुरुष की कुंडली है तो क्या हो गया, आप एक से चलोगे, वहां पे 2 लिखा हो 3 लिखा हो उसको आपको देखना ही नहीं है। ठीक है, सामने हाउस ही, जैसे मेरे सेकंड हाउस में गुरु और मंगल है तो मैं उसको सेकंड हाउस ही मानूंगी, है थर्ड राशि का। तो पहले ये बताओ कौन से स्टेप में आपका किस्मत का ग्रह मिला? सर फिफ्थ में सूर्य है मेरे, सिक्स मतलब राशि का है। फिफ्थ में सूर्य है ना? हाँ जी। हाँ तो आपकी किस्मत का ग्रह सूर्य हो गया। हाँ जी। और ओरा में है भी दूसरे नंबर पे। हाँ जी सर, सूर्य ही हो गया, मैंने यही पूछना था सर, वो है तो मतलब राशि के अकॉर्डिंग ही देखना, हमने जो हमारे लाइन वाइज चल रहे हैं उसी हिसाब से हमने देखना है। ठीक है सर। सर और एक मैंने पूछना था, आपने कहा था बुध हम जो टीका लगाते हैं ना वो बुध का मतलब गोलाई होती है ना, तो मैंने पूछा था हम बिंदी भी लगाते हैं तो वो भी नहीं लगानी चाहिए? तिलक में आता है। हाँ जी, बिंदी तिलक में आता है, वो लेडीज के श्रृंगार में आता है। ठीक है सर, वही पूछना था, वो आप कह रहे थे ना माथे पे नहीं मतलब गोल नहीं लगानी चाहिए, तो मैंने पूछना था। कोई दिक्कत नहीं, बिंदी श्रृंगार में आता है, बिंदी तिलक में नहीं आता। ठीक है सर, थैंक यू जी। जी सर, नेक्स्ट पलक ये संतोष जी को ले लो। तुम्हें आशीष जी आपका हो गया, आप तो हैंड राउंड राउंड कर लो।
नमस्कार, मेरी आवाज आ रही है ना? मुझे पूछना था ऐसे कि अभी थर्ड स्टेप में मेरा किस्मत का ग्रह ऐसे इलेवेंथ हाउस में शनि ऐसे मिल गया मुझे। थर्ड स्टेप में मिला मुझे इलेवेंथ हाउस में शनि, और अभी उसमें और कैसा था कि वो 36 सालाना चक्र है ना, तो उसमें धोखे का ग्रह भी शनि आया था उस समय, तो कैसा देखना चाहिए इसमें? अभी दोनों ऐसे किस्मत का ग्रह भी और धोखे का ग्रह भी ऐसे दोनों एक साथ में आ गए ऐसे शनि। आप शनि के विरुद्ध काम नहीं करना, किसी की झूठी गवाही नहीं देनी, ठीक है? किसी मजदूर का दिल नहीं दुखाना, चाचा के साथ बना के रखनी है, गरीब लोगों को सरसों के तेल के पकौड़े बना कर खिला जी। ठीक है, ठीक है, इतना ही पूछना था। ओके सर, समझ में आया आज का टॉपिक आप लोगों को? चलो, अर्चिका अरोड़ा जी। अर्चिका, गुड इवनिंग सर। सर, मार्स आया मेरा किस्मत का ग्रह, तो अभी आपने अभी किसी को समझाया था आग से रिलेटेड काम वाला, तो मुझे ये पूछना था कि 28 साल में एक्टिव होते हो, मैंने 28 साल में ना कैंडल हीलिंग जो स्पेल सीख के बहुत ही फुल टाइम करना शुरू करा है, तो अब मेरे को ये समझ में आया कि बिल्कुल करना बंद कर देना चाहिए। फिर आग के साथ खड़े होके काम जो करने वाला होता है ना बेटा, भट्टी इनके साथ होता है। किसके साथ होता है? तंदूर के साथ खड़े होके कोई काम कर रहे हो, भट्टी के साथ खड़े होके काम कर रहे हो, जैसे फूड लाइन का काम, फास्ट फूड का, जैसे केले लगाते हैं लोग। कुकिंग भी सर उसमें आएगा कि गैस में जो चल रहे थे वो नहीं आएगा? अच्छा ठीक है, अगर कुकिंग छोड़ दी तो मम्मी भी मारेगी वो, है ना? मैं तो खुश हो रही थी कि तो बहुत सही मिल गया बहाना। अच्छा, और सर एक सेकेंड डाउट ये पूछना था कि जब आपसे कंसल्टेशन ली थी तो आपने वेंसडे को मशरूम का एक उपाय करने को बोला था मंदिर में रखने को, तो 5 वेंसडे किया है, फिर 6 को सुबह टीम से पूछना। हाँ, मैं ऐसे कर पूछूंगी। अलका अग्रवाल जी, नमस्कार सर। नमस्ते अलका जी। सर, मेरे को एक बात पूछनी थी आपसे, जैसे किसी मेरे फॉर एग्जाम्पल पहले 2 स्टेप्स में ही 5 जो ग्रह है वो आ गए, ठीक है? अब ठीक है, मैं मानती हूँ कि सूर्य जो है वो फर्स्ट नंबर पर मेरे लिए आ रहा है, फर्स्ट स्टेप में ही आ गए, लगन में बैठा हुआ है। अब यहाँ पर मेरा क्वेश्चन ये है, जैसे बाकी के जो ग्रह हैं जो किस्मत के हो सकते हैं या होंगे, क्या उनका भी इनमें से काम कर सकती हो, पर प्रेफर्ड आप सूर्य से जुड़े हुए कामों को दें, गवर्नमेंट से जुड़े हुए कामों को दें, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट से दें, पॉलिटिक्स से दें, तो इन चीजों में आपको ज्यादा सफलता मिलती है, और सूर्य के विरुद्ध कोई काम ना करें, मौजूदा सरकार को गाली ना दें, नमक तेज ना खाएं, और बात बात पे डैश डैश जिनको गाली देने की आदत होती है ना, तो वो सूर्य खराब की निशान, तो उनके विरुद्ध ना उनके अनुकूल होकर हम चलेंगे तो जिंदगी में सफलता। ठीक है, ठीक है, बस यही पूछ रहा था। थैंक यू सर, थैंक यू। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे गुरु जी। गुरु जी, मैंने ना देखा था तीसरे स्टेप में मेरा जो निकला था ना सर, तीसरे स्टेप में गुरु जी मेरे बुध और शनि आ गए थे, 10वें घर में मेरा शनि था और 3रे घर में मेरा बुध था। तो ऊपर कौन है? हाँ जी, ओरा में पहले कौन आता है सीक्वेंस में? ओरा में गुरु जी पहले बुध आता है। ओके गुरु जी, मैंने ना एक बार नाक्षेदन करवाया था बुध के लिए, मैंने 5 दिन के बाद गुरु जी निकलवा दिए थे, फिर गुरु जी फिर से करवा सकते हैं? परमानेंट करवा के रखो। ओके गुरु जी, धन्यवाद गुरु जी, धन्यवाद। कंचन जी। राधे राधे कंचन जी। राधे राधे कंचन जी। अभी गुरु जी मेरा कुंडली में सेकंड में चंद्र है, मतलब सेकंड स्टेप में सेकंड घर में चंद्र है और 6 में एक बुध आया है, तो किसका उपाय करना चाहिए? उपाय किसी को भी नहीं करना चाहिए, आपका किस्मत का ग्रह चंद्र है, चंद्र को संजो के रखना। चंद्र ठीक, तो क्या करना चाहिए? माँ की सेवा करनी चाहिए, माँ तो दूर है, माँ के साथ प्यार से रहना चाहिए, घर में आपको शिवजी या लड्डू गोपाल का कोई सामान नहीं रखना है, मानना उन्हीं को है, ठीक है? चंद्र का काम क्या होता है? दयावान जी, दयावान प्रवृत्ति का बन के रहना चाहिए। लड्डू गोपाल जैसे घर में है, शिवलिंग भी है, तो उनकी उपासना तो कर सकते हैं।
घर में नहीं करनी है, घर के बाहर कर सकते। अब मंदिर में है तो फिर हटा दें, मंदिर में दे दो। अच्छा जी, धन्यवाद गुरु जी। शरीफ जी, शरीफ जी। सर गुरु जी, I have a question. So you taught us today about the Kismat Graha. So I think I found mine on the third step, where Mercury was in Gemini in third house, based on the Kalpurush Chakra. So is that the Kismat Graha? Sir, मैंने आपने जब third step में कहा जे Kalpurush से calculate करने के, so मैंने Gemini मिथुन राशि में मेरा बुध ग्रह मिला। so क्या वो मेरा किस्मत ग्रह है? Yes, वो आपका किस्मत। so मुझे क्या करना चाहिए? आपको बहन बुआ बेटी मासी साली इनकी सेवा करनी चाहिए। कबूतरों को, पक्षियों को हरे मूंग की दाल रात को भिगो के डालनी चाहिए। माँ दुर्गा की उपासना आपको कभी नहीं छोड़नी चाहिए। और चिड़िया को क्या देना चाहिए? उपासना आप नहीं करोगे, दुर्गा उपासना आप नहीं करोगे तो आप अपने अल्लाह ताला को, जिसको भी मानते हो जी, उनकी पूजा पाठ आप जरूर करें। जी जी। और सर अपने चिड़िया को क्या करना चाहिए आपने कहा? हरे मूंग की दाल होती है ना साबुत वाली, येलो कलर, हल्दी हल्दी और ग्रीन, ग्रीन मूंग, ग्रीन ग्रीन, ओके ग्रीन, ओके। और कुछ करना चाहिए? और पिछड़ों की, मतलब ट्रांसजेंडर की, ट्रांसजेंडर की सेवा करनी चाहिए। जी जी, भारती जी। राधे राधे सर। थैंक यू सर। सर मेरे हस्बैंड का ना फर्स्ट हाउस में चंद्रमा है, तो आपने जो चंद्रमा का बोला था कि माँ की सेवा करनी चाहिए, बट कुछ इश्यूज रहते ही हैं, जितनी भी कोशिश कर लो कुछ ना कुछ रहता ही है इश्यू, तो क्या करें? कौन सा निकला मुझे ये बताओ। चंद्रमा फर्स्ट हाउस। मैंने फर्स्ट हाउस में चंद्रमा कहाँ बोला? सर मेरा शायद थोड़ा सा मिस हो गया था, तो फर्स्ट लगन में, लगन में चंद्रमा है। वो तो तुम्हारे ज्यादा रहेंगे, सास बहु की बनती नहीं है। सास बहु क्या है कि यहाँ पर थोड़ा सा झगड़ा रहता है फर्स्ट हाउस में चंद्रमा, तो ये आगे के स्टेप में आएगा, बट ये किस्मत का ग्रह नहीं है। अच्छा, तो 1 4 7 और फिर 10th देख सकते हैं ना? 1 4 7 10th में फर्स्ट में सूर्य हो, गुरु फोर्थ हाउस में हो, सेवंथ हाउस में शनि हो, 10th हाउस में मंगल हो। जी ठीक है सर। ठीक है, थैंक यू। रेखा जी। राधे राधे सर। राधे जी। सर मुझे ये पूछना है कि सर आपने जैसे ऑरा बताया है उसमें आपने टाइम भी मेंशन कराया है, सर उस टाइम का क्या रेलेवेंस है, मतलब उसका बर्थ है क्या है इस टाइम का रेलेवेंस? क्योंकि हम तो खाली सीक्वेंस देख रहे हैं ऑरा का, टाइम तो कहीं हम कंसीडर नहीं कर रहे। आपको पांचवा स्टेप बताया जिसकी जरूरत नहीं पड़ती। मैंने वहां बोला कि भैया किसी का उस होरा के समय पे और होरा के बार पे बर्थ हुआ हो तो किस्मत का ग्रह वही हो जाए। ओके ओके सर, ओके ओके। आने वाली चीजों में इस होरा के भी पता लगेगा, पर बेसिक तो समझो ना। हाँ सर, मतलब मुझे यही समझ में नहीं आ रहा था, मतलब इस टाइम की क्या रेलेवेंस है, अब समझ में आ गया। ठीक है सर, थैंक यू। आशी गोयल जी। सर वो आपको कंफ्यूजन हो गया था आशिमा जी में और मुझ में। सर मेरा ना एक्चुअली बीच में थोड़ा सा नेट का इशू हो रहा था तो लॉग आउट हो गया था, तो सर मुझे ये पूछना था, आपने एक लाइन बोली थी कि जितना नीचे चला जाता है स्टेप वो उतना ही प्रॉब्लम करता है, तो सर सब मेरे को उतनी ज्यादा प्रॉब्लम होती है। यस, तो सर मुझे ये कंफ्यूजन है, वो नीचे जो जाता है वो ओरा में जितने ग्रह नीचे जाएगा वो उसमें प्रॉब्लम, या जो स्टेप्स ढूंढने हैं उसको ओरा में भी और स्टेप ले रहे हैं। ओरा में भी देखो जो ग्रह जितना नीचे है उस ग्रह की उम्र पे वो एक्टिवेट होता है। ओके सर, समझ रहे हो ना? ठीक है सर। तो सर जैसे मेरा सेवेंथ में शनि है, फर्स्ट स्टेप में मेरा मिल रहा है, तो अब शनि छत्तीस से बयालीस शनि की उम्र है। यस सर। तो 36वें साल में जाके एक्टिवेट होता है, तो 36 से पहले क्या करेंगे? शनि को अच्छा रखेंगे, दारू मांस अंडा इन चीजों का परहेज करेंगे सर। किसका अंडा देने से बचेंगे?
ठीक है, गरीब लोगों का दिल नहीं दुखाएंगे, लेबर को कम नहीं। ओके सर। एंड सर एक चीज और बस, सर सपोज जैसे मेरा गुरु भी मिल रहा है सर फिफ्थ हाउस में, शायद आपने बताया था कि अगर फिफ्थ में भी गुरु है तो वो भी बन रहा है, तो सर और पहले स्टेप में आपको मिल गया तो आपको नीचे जाने की जरूरत नहीं है। सर वो मैं इसलिए बोल रही थी क्योंकि गुरु टॉप पे आ रहे हैं ना इसीलिए। ओके सर, थैंक यू सर। मीना जी हो गया, किरण जी। राधे राधे गुरु जी। जैसे मेरा सेकंड में शुक्र है और ट्वेल्थ में गुरु है, तो मेरा किस्मत का ग्रह गुरु हुआ, कुछ हो रहा में सबसे फर्स्ट गुरु आ रहे हैं जी। तो थर्ड स्टेप। ओके ओके थैंक यू। जी राज जी प्लीज दोबारा दोबारा रेज हैंड ना करें। मीना जी रेज डाउन करें। हेलो। हाँ जी, हाँ जी सर, सॉरी मैं, मेरा सूर्य फर्स्ट हाउस में आ रहा है तो इसका क्या मतलब? सूर्य ही आपकी किस्मत का ग्रह है। अच्छा जी। तो सर एक क्वेश्चन था कि रूबी पहन सकते हैं इसमें अगर सूर्य किस पहन सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। मोहित जी, शोभा जी। सर जय श्री श्याम। जय श्री श्याम जी। सर बस मेरा एक बेसिक सा क्वेश्चन है कि अगर हमारा फोर्थ स्टेप के सबसे लास्ट में भी कोई ग्रह आ रहा है, ठीक है, जो सबसे निचला पायदान है, लेकिन हम बिल्कुल बढ़िया करके उसको पॉजिटिव कर लेते हैं, सब चीजों को एक्सेप्ट करते हैं, तो क्या पहले स्टेप वाला बिंद मुट्ठी वाला वो हमें रिजल्ट देगा? हमने बिल्कुल बढ़िया कर लिया उसे। बिल्कुल देगा ना, वही तो, यही तो मैं बता रहा हूँ, गरीब से गरीब रिक्शा वाले को भी हम अमीर कर सकते हैं, सिर्फ यही टॉपिक एक ऐसा है इसको समझना, इसको अच्छे से घुसना इसके अंदर, चाहे हमारी कुंडली कितनी भी खराब हो, कितने भी लास्ट स्टेज में हो, जैकपॉट है फिर भी। ठीक है सर, यही वही एक ग्रह होगा जो आपको जिंदगी में आगे लेके जाए। ठीक है, तो निराश होने की जरूरत नहीं है, वो पहुंच जाएंगे हम पहले स्टेज पे, लेकिन हमको खाली उसको पॉजिटिव करना है, बस पॉजिटिव करना है। और मैं आपको वही बता रहा हूँ, इन चारों स्टेपों में अपने ग्रह को ढूंढना बहुत जरूरी होता है। ठीक है जी। अलग जी सर। हेलो सर। और एक प्रश्न था, बहुत अच्छा लगा सर, सर अच्छा लगा, अच्छे से समझाया, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा सर। जय श्री श्याम सर, आपका बहुत आपने एक टूल दिया। जय श्री श्याम सर, कुछ कह रहे हैं अनंत जी को ले लो और बाकी लोग जो सेशन छोड़ आप सभी को जय श्री श्याम जी। सर एक अलग प्रश्न पूछ सकता हूँ सर? नहीं नहीं अलग जी ओनली। हाँ जी बोलो मैम। हाँ जी, हाँ जी सर, मैंने ना अपना अपना ग्रह 10 के हिसाब से मार्स निकाला था, मतलब पहले के हिसाब से आपने जब बताया था तो 10वें खाने में मेरा मार्स था, मैंने वो निकाला था, बट फिर सब कहने लगे दो ग्रह हैं तो होरा, तो मेरा जुपिटर भी है, जुपिटर और मार्स है मेरा 10वें है, तो होरा के हिसाब से फिर जुपिटर देखो। घर में पहले स्टेप में मिला तो मंगल आपका है। ठीक है सर, ठीक है फिर मंगल ही हुआ। थैंक यू सर, थैंक यू। जय श्री श्याम सर। जय श्री श्याम गुरुजी। जय श्री श्याम गुरुजी। जय श्री श्याम गुरुजी। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। बहुत अच्छा सेशन दिया सर, बहुत धन्यवाद इसके लिए, बहुत बहुत थैंक यू सर, धन्यवाद सर। जय सीतारा। राधे राधे। जय श्री श्याम, आप पर कृपा बनाए रखिए। सीतारा जी, जय श्री श्याम करते हैं।